खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज धनतेरस है और दो दिन बाद रविवार को दिवाली, रोशनी और खुशियों का वो त्योहार जो बिना मिठाइयों के पूरा नहीं होता। लेकिन क्या आपको पूरा यकीन है कि त्योहार के लिए जो मिठाई का डिब्बा खरीद कर आप घर लाएंगे वो आपके परिवार के लिए सुरक्षित है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिवाली से ठीक पहले देश के कोने कोने में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम छापेमारी कर रही है और छापेमारी में मिठाइयों की फैक्ट्री से जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको क्या खरीदना है और कहां से खरीदना है। इसीलिए हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपकी जान से खेलने वाले घर के अंदर के आतंकी हैं। ये सोहन पापड़ी इस दिवाली आपके घर आने वाली थी। डिब्बे में बंद ये काला जामुन त्योहार पर आपका मुंह मीठा करने वाला था। खोए की इस खेप से जो मिठाइयां तैयार होती उसका भोग लगाकर आप प्रसाद ग्रहण करने वाले थे। लेकिन इन मिठाइयों की हकीकत जानने समझने के लिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर की है। बड़ी मशक्कत के साथ हथौड़े और छेनी से कुछ तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन फ्रीजर में ऐसा क्या है जो हथौड़ी के वार से हिलने को तैयार नहीं? दरअसल ये खोया है जिससे आपके लिए दिवाली पर मिठाई तैयार होने वाली थी। करीब 7 क्विंटल ऐसा खोया मिला जिसे फ्रीजर से बाहर निकालने में एसडीएम और खाद्य विभाग के पसीने छूट गए। खोया इतना सख्त था कि हथौड़ा तक चिटक गया। कल्पना कीजिए इसमें किस हद तक मिलावट की गई होगी। इस खोए को नष्ट करने में पूरी टीम को 2.5 घंटे का वक्त लगा। यहाँ से आगे छापा मारने पहुंची टीम जब मिठाई के इस गोदाम के कमरे में पहुंची तो सुनिए वहाँ का मंजर कैसा था। ये तस्वीरें देखकर आपका मन खराब हो रहा तो भी देखिए क्योंकि ये कड़वा सच है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। ये जो बड़े बड़े कंटेनर में पीले रंग का पानी दिख रहा है ना, ये केमिकल है जिसका इस्तेमाल मिठाइयों को चमकदार और मीठा बनाने के लिए किया जाता है। छापा मारने पहुंची टीम ने सारा केमिकल अपने सामने नालियों में बहा दिया। रायबरेली में सागर स्वीट्स में छापा पड़ा था जिसके पास लाइसेंस तक नहीं था। एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को ही सील कर दिया। रायबरेली के बाद आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले चलते हैं। सेंट्रो कार में डिब्बों में बंद काला जामुन और बंगाली रसगुल्लों की खेप भरी है। चाशनी में डूबी ये मिठाई दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लिए रवाना होने वाली थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती उससे पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेड मार दी। फैक्ट्री में कढ़ाई चढ़ी हुई लेकिन इस कढ़ाई में काला जामुन बनाने के लिए खोया तैयार नहीं होता। यहाँ तो मोहसिन मियां स्टार्च और मैदा के घोल से काला जामुन तैयार कर देते हैं। किस किस चीज का आप इस्तेमाल करते हो? दूध, दही, स्टार्च, बस। अच्छा, मावा? नहीं, मावा नहीं। फैक्ट्री में खोए के सिवाय सब कुछ था, स्टार्च, मैदा के कट्टे, सफेद बंगाली रसगुल्ले। इस फैक्ट्री से दिल्ली और नोएडा तक मिठाई की सप्लाई होती है। खाद्य विभाग की टीम ने रसगुल्लों की मिलावटी खेप को नष्ट करा दिया है। बुलंदशहर से करीब 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के शामली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो भट्टी में खोया बनाने वाले संचालक पुलिस को देखकर फरार हो गए। ये जो सफेद रंग का भुरभुरा सा बुरादे जैसा पदार्थ दिख रहा है ये कुछ और नहीं खोया है
जिसकी मिठाई बनकर आपकी प्लेट में सजने वाली थी। पुलिस ने मौके से 2.5 किलो सिंथेटिक खोया, 20 किलो मिल्क पाउडर, 50 किलो वनस्पति घी बरामद किया। पुलिस कैराना पुलिस को गांव भूरा में एक सूचना मिली थी रात के समय में कि वहां पर अवैध रूप से मावे का निर्माण किया जा रहा है। ये देश के खिलाफ साजिश नहीं है तो क्या है? ये देशवासियों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? मुखबिर सूचना देता है, पुलिस छापा मारती है, आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। एक अपराध की तमाम सूरतें मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये कि देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर ना तो जागरूकता है ना कड़े नियम। जब कभी हमें फूड पॉइजनिंग होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा ले आते हैं। हमें पता होता है कि हम किस रेस्टोरेंट का खाना खाने से बीमार पड़े हैं, लेकिन पलटकर कभी हमने इस बात की जांच या शिकायत नहीं की कि आखिर खाना खाने लायक था या नहीं। मिसाल के तौर पर हमारा पनीर या मिठाई खराब निकल जाता है और हमें पता चलता है तो हम दुकान पर वापस जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और अगर दुकानदार हमें बदल कर दे दे तो हम खुश हो जाते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते। इसी का फायदा उठाते हैं मौत के सौदागर। जान से खिलवाड़ करने वाला बारूद बोरियों में भर भर कर सप्लाई किया जा रहा है। खाने का सामान अगर मिलावटी हो तो वो बारूद ही कहा जाएगा ना। सप्लाई की खबर मिली तो गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम किसी फैक्ट्री पर नहीं बल्कि बस स्टैंड पर छापा मारने पहुंची है। मिलावटी खोए और मिठाई खेप कानपुर शहर से बसों में लादकर गोरखपुर पहुंचाई गई। खाद्य विभाग की टीम को देखकर मिठाई लेने कोई सामने नहीं आया। छापेमारी में करीब 160 क्विंटल खोया बरामद किया गया। कल्पना कीजिए गोरखपुर के कितने घरों में मिलावटी खोए की मिठाई पहुंचने वाली थी। आज मुखबिरों से सूचना मिली थी कि आज काफी मात्रा में खोआ गोरखपुर में उतरेगा संभावना पे, तो हम लोग यहाँ जांच किए तो 15 टोकरी खोआ यहाँ पर और 3 टोकरी खोआ हम लोग को मिला कचहरी बस स्टैंड पर। इसके साथ 4 बोरियों में बूंदी और 3 डब्बा छेने की मिठाई जो लखनऊ से बन के आ रहे थे। मिलावट को लेकर जुर्माने की रकम तय है लेकिन देश में इसका कोई असर नहीं दिखता। मिलावट से अगर उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होता तो 1,00,000 रुपए जुर्माना। मिलावट से उपभोक्ता को अगर नुकसान हुआ है लेकिन वो गंभीर नहीं तो 1 साल तक की सजा का प्रावधान और 3,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। मिलावट की वजह से उपभोक्ता को अगर गंभीर नुकसान हुआ तो 7 साल तक की सजा और 5,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। और ये प्रावधान देश में सिर्फ 2 महीने पहले अगस्त में नए कानून के मुताबिक लागू हुए। इससे पहले मिलावट को लेकर जो कानून था उसमें कड़े प्रावधान नहीं थे। यही वजह है कि दिवाली से ठीक पहले 5 टन मिलावटी पनीर की एक खेप जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा तो करीब 10,00,000 रुपए का ये मिलावटी पनीर 4 ट्रक में भरकर संभल से दिल्ली में सप्लाई के लिए लाया गया। शाहजहांपुर की खोया मंडी में जिला प्रशासन ने छापा मारा तो भारी तादाद में नकली खोया मिला। ये नकली खोया किसी ग्राहक के घर पहुंचकर इसे बीमार न करे तो जेसीबी मशीन मंगवाई गई, गड्ढा खोदा गया और नकली खोए को गड्ढे में दफन कर दिया गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मिलावट खोरों की करतूत देखिए। ऑटो से मिलावटी खोया और मिठाई सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। पूछताछ हुई तो टीम उर्वशी ट्रेवल्स तक पहुंची। यहां पता चला 6 क्विंटल मिलावटी खोया अहमदाबाद से इंदौर लाया गया है। इंदौर से अहमदाबाद की दूरी 450 किलोमीटर है। सवाल उठता है इतनी दूर से खोए की सप्लाई क्यों मंगाई जा रही है? जवाब है खोए का दाम। इंदौर शहर में खोया 300 रुपए किलो बिक रहा है जबकि अहमदाबाद से जो मिलावटी खोया आया वो 120 रुपए किलो है। क्या आप जानते हैं मिलावटी खाने पीने की चीजों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं? मिलावटी सामान दिल की बीमारी से लेकर दिमागी बीमारियां देता है और खासकर बच्चों को, देश को भी चोट पहुंचाती है। मिलावट की वजह से होने वाली बीमारियों और मौत से देश की जीडीपी को 3 से 9% तक का घाटा होता है। 9% के हिसाब से देश को 18,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान। हमारे दर्शक तो ये रिपोर्ट देख ही रहे हैं। जो लोग मिलावटी मिठाई बनाते हैं बेचते हैं वो भी आंख खोल कर देख ले। अब कानून कड़े हो चुके हैं, दर्शक जागरूक। याद रखिए जो लोग देश का 18,00,000 करोड़ का नुकसान करने वालों में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन बाद दिवाली है। दिवाली पर आप अपने परिवार के साथ खुशियां मना सकें इसके लिए हमारे जवान अपने घरों से दूर ड्यूटी पर मौजूद हैं। लेकिन दिवाली तो वो भी मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में तैनात जवान कैसे मना रहे हैं दिवाली, देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की ये खास रिपोर्ट।
भगवान की आरती करते ये वो हाथ हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बंदूकें उठाते हैं, दिए और मोमबत्ती जलाते ये वो हाथ हैं जो दुश्मनों के मंसूबों को राख करने में एक सेकंड देर नहीं करते। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। देशवासी अमन चैन से त्योहार मना सके इसलिए सीमा पर जवान अपने घर नहीं लौटते, लेकिन दिवाली तो उनके लिए भी उतनी ही दियों और पटाखों वाली है जितनी एक आम इंसान की। जवानों की दिवाली कैसी है यह दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाइट इन्फेंट्री कैंप में मौजूद हैं। ये जवान लच्छीपुरा बटालियन का हिस्सा है। दिवाली पर घर न लौट पाने की कसक मन में भले ही हो, लेकिन त्योहार की रंगत फीकी नहीं पड़ने देते। ये रंग तब और चटक हो जाता है जब मुस्लिम और सिख जवान अपने हिंदू भाइयों के साथ आरती भी करते हैं, प्रसाद भी बांटते हैं और दिवाली के लिए दिए भी जलाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। ये रईस अहमद है जो भगवान की आरती में हाथ बांधे खड़े हैं और आरती खत्म होने पर अपने हाथों से सबको प्रसाद बांटते हैं। इनका मानना है चाहे दुआ हो, अरदास हो या आरती, सबका रूप एक है। जी, पिछले साल भी हमने इसी तरीके से मनाई थी और हम सभी धर्मों का एक समान सम्मान करते हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जकीलाई रेजिमेंट के अंदर एक छत के नीचे जो है सभी धर्म की पूजा होती है, दुआ, अरदास और आरती होती है। बटालियन के अंदर सभी धर्मों के लिए छोटे छोटे प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं। खास बात यह है कि तीनों पूजा स्थल एक दूसरे के करीब ही बनाए गए हैं। इन्हीं पूजा स्थल में हिंदू जवान अपनी पूजा करते हैं, मुस्लिम भाई अपनी दुआ पढ़ते हैं और सिख भाई अपनी अरदास पढ़ते हैं। देखो, हम अपने यूनिट में, हमारा ये परिवार है यूनिट पूरा, और इस यूनिट में हम जो भी त्यौहार कोई बनाते हैं इसमें इसको बराबर सम्मान दिया जाता है किसी यूनिट में। तो दूसरा, हमारा ये एक परिवार है, इसमें हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही छत के नीचे खाना और एक नीचे सोना रहता है इसमें, और इससे जो भी खुशी होती है वो बराबर दी जाती है। इस इन्फेंट्री की सबसे बड़ी खासियत यहाँ की विभिन्नता में एकता है। इस बात की पुष्टि खुद बटालियन के अधिकारी मेजर केवल कुमार ने की। यहाँ हर त्योहार पर ऐसे ही जश्न का माहौल होता है। हमारा बटालियन के बीच में हम सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, और हम सभी त्यौहार एक साथ मनाते हैं, ईद, गुरपुरब, दिवाली जैसे त्यौहार। सर, आज दिवाली भी आपने मनाई है, एक साथ मनाई, तो कितना इंतजार करते हैं दिवाली आने का या ईद आने का या गुरु पर्व आने का? कोई भी त्यौहार हो उसका काफ़ी समय से इंतजार रहता है कि कब त्यौहार आए, हम सभी इकट्ठे मिलके एक साथ मिलके उस त्यौहार का सेलिब्रेशन करें ताकि सभी को खुशियां मिले। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने जवानों के साथ आरती में भागीदारी ली, प्रसाद खाया और देश के सपूतों की भाईचारे वाली दिवाली उनके साथ मनाई। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनगर से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट।